जयापुरा गांव के अटल नगर में हम हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो आवास आप देख रहे हैं ये मूसाहर जाति है उनको दिए गए थे उनके द्वारा। जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनसे भी जान लेते हैं कि अगर ये जब घर मिले हैं तो कितनी सहूलियत हो पाई है, उनसे भी बतियाएंगे, आपसे भी बतिया लें। आप बताइए, यही रहती है? नहीं बताएंगी, इतना बतिया दो कि घर कैसा लगा, बढ़िया मिला कि नहीं मिला, इधर देख के घर कैसा लगा? घर ठीक लगा है। पहले क्या हुआ करता था? पहले झोपड़ी रहा। इधर आओ है, हाँ इधर बताओ, भागो ना आई, ये बताओ कि पहले क्या झोपड़ी होती थी? हाँ पहले झोपड़ी, तो पहले और अब में आसानी क्या हो? इधर आओ माई, इधर आओ के बताओ। हाँ पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले बहुत दिक्कत होती। कैसी दिक्कत होती थी? मतलब किसी तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती होंगी ना, जब आप झल्ला जाती होंगी अपने पति पे, अपने पिता पे, किसी तरीके की। अब वो सब दूर हो गई? शौचालय यही घर में ही? अब आओ मामी, आओ मामी, मामी बोलेंगे इनकी, ये नहीं बोल पाएंगी। हाँ हाँ हम भी मामी बोल दें, हम पूछ लें क्या काम हुआ है अम्मा। काम तो सब कुछ बढ़िया भाल बा, मोदी सरकार कैले बान। हाँ बढ़िया काम भाल बा, ये कि पहले से तो झोपड़ी एतवार बरसात में चुहा बह सब जागत रह। हाँ। अब तो बढ़िया बा, अपन आराम से सभी है बा। यह दिक्कत बा कि अब एक कठे रूम बा, ये परेशानी बा। एक है रूम है और लोग है चार। हाँ तब ये दिक्कत है, दिक्कत बा। पहले की क्या दिक्कत थी, अब तो दूर हो गई? अब तो दूर माला हो गल, पहले तो ये जैसे कि झोपड़ी रहा तब चुहा तो ना आई बा, न सब भीजत बा बारिश में। ये हमको बताओ, बड़ी जातियाँ से बड़े घर हो गए तुम्हारे तो? अब तो बड़ी जाति को भी ऐसे घर नहीं जैसे तुम्हारे? तो बड़ी जाति के घर ना है, ठीक हो मैडम, बाकी तो हम हर के परेशानी बा ना। अब ठंडी में दू ठे तीन ठे ही ना तो बढ़ जात बान। तो अब अपन परिवार रहा कि अब बिजली का कैसे करते हैं? बिजली आवाला। हाँ बिजली। तुम्हारा कौन सा है? हाँ वाला। हम देख ले चल के, देख ला दिखा। चलो इनके साथ घर भी चल के देख लें। ये कह रही है कि पहले घर चूता था अब नहीं चूता है, तो पूछ लें देख लें। बड़ी खुशी से आई है, मामी है यहाँ पर सबकी, हम भी मामी कह दिए हैं। हाँ मम्मी कही थी, हम मामी सुन लिए थे, तब मम्मी नहीं कहेंगे हम। चलिए हाँ, तो ये देखिए, ये है अटल नगर मोदी जी का, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं वो आप देख लीजिए। शौचालय दिया गया है, बाथरूम दिया गया है, किचन है। किचन तो खाली पड़ा है माई तुम्हारा, काहे रखे काहे नहीं है कुछ? चलो किचन खाली है लेकिन व्यवस्था दी गई है, और ये एक कमरा है तो माई। हाँ माई इसी कमरे की अब जो है कह रही है कि कमरा एक है, लोग चार होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा और अटल नगर बड़ा हो जाना चाहिए। तो ये अटल नगर है, कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, ये गांव की सबसे पिछड़ी जाति जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सौगात दी, क्या लगता है कि वाकई विकास हुआ जयापुरा गांव में? जी उन लोगों का तो विकास हुआ है, क्योंकि इन लोगों की आवश्यकता थी, विकास इनको जरूरी था। पहले क्या तस्वीर देखते थे यहाँ की? यहाँ पे झोपड़ी था, बस उसी झोपड़ी में रहते थे, एक ही झोपड़ी और बाकी सब परिवार उसी में रहता था। बरसात के दिनों में दिक्कत होता था, अब ठीक है? हाँ अब तो पक्का मकान बन गया है, ठीक है। अब बिजली भी मिल गई है, पहले बिजली नहीं थी, और पहले एक पटल पर लाकर खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री। जी जी, ठीक हुआ है जी, बहुत अच्छा काम। आप बताइए बाबा जी, ठीक काम हुआ है, अच्छा काम जब प्रधानमंत्री ने गोद लिया है आपके गांव? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, यहाँ के लोग सब खुश हैं, लेकिन और लोग जो है नाकाम काम कर रहे हैं। मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्योंकि नुमाइंदे बहुत सारे हैं अपने प्रधानमंत्री से, यहाँ के लोग खुश हैं। आज पब्लिक का सवाल हम जयापुरा गांव से कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का यूं तो पूरा देश है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो एक योजना लेकर आए जिसमें गांव को गोद लेने की बात कही गई, तो उनके गांव में, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं गुजरात होगा उनका घर, क्योंकि ये गांव गोद लिया तो अब ये उनका गांव है, उनके गांव में कितना काम हुआ है ये जान। तो पब्लिक का सवाल हम उस जगह से कर रहे हैं
जिस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया है, जयापुर गांव सांसद ग्राम योजना के तहत जो है, प्रधानमंत्री क्योंकि बनारस के सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद कहे जाते हैं, तो उन्होंने इस गांव को गोद लिया है। अपने तमाम सांसदों को लगातार वो इस बात के लिए कहते रहे हैं कि कोई एक गांव गोद लीजिए और उस गांव का विकास कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री के गांव में हुआ कितना विकास ये जानने की कोशिश है। कुछ लोग हैं यहां के, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गांव की भी तस्वीर आपको दिखाती हूं। गांव में बैंक भी हमें दिखाई दिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, और कुछ चीजें दिखाई दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की थोड़ी बहुत शिकायतें हैं वो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गांव के प्रधान से बात कर लेते हैं। राजकुमार जी, आप गांव के प्रधान हैं तो बेहतर जानते होंगे कितना काम हुआ अगर प्रधानमंत्री ने इस गाँव को गोद लिया है। प्रधानमंत्री गाँव को जब से गोद लिया है काम हुआ है, जैसे बैंक खुला, प्राइमरी स्कूल को बढ़िया बनाया गया, जो है पंचायत भवन बना, और जो है शौचालय बढ़िया सा बना, हर काम अच्छा हुआ है, कोई काम में शिकायत नहीं है। ग्राम प्रधान, अरे ग्राम सभा में थोड़ा बहुत है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, थोड़ी इसी बता दीजिए, क्या कोई दिक्कत ज्यादा बड़ी या थोड़ी बहुत कौन सी? थोड़ी बहुत दिक्कत है, वही जो बताएं आपको, थोड़ा सड़क का, कहाँ की सड़क नहीं बन पा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से अगर प्रधानमंत्री सुन पाए, क्योंकि वो लगातार अपने गांव के लिए काम करते रहे, हो सकता है कि उन तक ये बात ना पहुंच पाई हो, लेकिन अब अगर वो सुनेंगे निश्चित तौर पर 13 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ आ भी। जी जी, हमारे गांव में जो गलियों में रोड गई है और रोड थोड़ा दिक्कत है, वही रोड बनवाना है, पानी वानी की सुविधा है, जल निगम उलगम सब। जब प्रधानमंत्री ने गांव को गोद लिया है तो बाकी गांव से कुछ अलग दिख रहा है? हाँ, अलग है, लगभग पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, हर सुविधा है, सिग्निकेट बैंक है, बैंकों का साधन है, पंचायत भवन है, मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वही जो बताए कन्याओं के लिए विद्यालय है।